thing, same thing here. She's standing with her nana and she's doing the comedy, but उधर शी स्टिल एंग्री विद द फैमिली. प्लीज चले जाए, यू नो मसला तो मेरा है ना, आपका नहीं देखे. लेकिन जिस तरीके से वो बात कर रही थी वो बिल्कुल वही पुराना तरीका. उसमें आप हर चीज़ को वाइंड अप करते हैं. उसका भी पोएट का भी वाइंड अप हो गया कि वो इंडिया में बात तो उसका वो हो गया. टीपू कहते हैं अब्बा जी प्राइवेसी, यू नो, सो दैट प्राइवेसी का जो पूरा वो जो एक चक्कर चला था वो वहाँ पे भी है. I agree with a lot of the things Rubina has said, but I still enjoyed the episode. I thought for a last episode, it was a good episode. Because aap, wait, closure. Closure maane ke aap, aapke mind mein koi cheez hai jo unsettled hai. Aapne us cheez ko settle karni hai, ke aap keh sakte hai ke ab main move on kar sakti hoon. Bajaye iske ke main kurti rahun, usi baat ko soch ke. But I totally agree with Rubina that the last three episodes that we saw, they were dragged out too much. I mean, I think this, if this had happened, maybe if this, including two episodes, would have, क्या कहते हैं? वो कहने वाली थी. वो पर्दे के पीछे से फैमिली आ गई थी. उस वक्त मौका था कि she was about to said all these things, but लेकिन same thing here. She's standing with her nana and she's doing the comedy, but उधर शी स्टिल एंग्री विद द फैमिली. सो दीज आर द टू थिंग्स दैट आई फेल्ट इन दोज एपिसोड वी शुड हैव रिजॉल्व्ड. के हर बीइंग नाइस टू द फैमिली, सेइंग द सेम थिंग कि आप लोग प्लीज चले जाएं, यू नो मसला तो मेरा है ना, आपका नहीं देखे. लेकिन जिस तरीके से वो बात कर रही थी वो बिल्कुल वही पुराना तरीका था उसका. सो एंड देन क्या कहते हैं 180 डिग्री जिसमें पूरी फैमिली आई भी है, एवरी वन इज सेलिब्रेटिंग दिस होल इवनिंग. दैट आई फील दैट वॉज अ लिटिल बिट ऑफ अ लेट डाउन इन द प्रीवियस एपिसोड. बट फॉर अ लास्ट एपिसोड जिसमें आप हर चीज़ को वाइंड अप करते हैं, उसका भी पोएट का भी वाइंड अप हो गया कि वो इंडिया में बात उसका वो हो गया. क्या कहते हैं, एवरी वन यू नो हैड क्लोजर इन ऑल ऑफ देयर थिंग्स. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई रियली एंजॉयड द एपिसोड. So I will give it a two thumbs up. चलें जी राइटिंग की बात की जाए और राइटर हैं जी अवैस अहमद और अदील अफजल. I really loved about this is that बहुत सारी चीज़ें जो पहले कही गई थी, जब कबीर आता है और ये लोग जा रहे होते हैं ना, कहते हैं आपने पैकिंग नहीं की, तो कबीर आके कहता है कि मुझे आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, एंड वो ले जाता है और नाना जी उनके पीछे जाते हैं. तो वहाँ से टीपू कहता है अब्बा जी प्राइवेसी, यू नो, सो दैट प्राइवेसी का जो पूरा वो जो एक चक्कर चला था वो वहाँ पे भी है. सेम थिंग इन द एंड व्हेन शी आस्क्स द नाना ना कि ज़ारा कहते हैं कि यू प्रॉमिस टू को एग्जिस्ट बिकॉज इट्स अबाउट अ जनरेशन गैप ना बेसिकली, कि वो जनरेशन थी और ये, एंड इट इज दोनों चीज, दोनों अपनी जगह एब्सोल्युटली सही है. एंड हियर व्हाट यू हैव डन इज यू हैव मिक्स्ड द टू एंड यू हैव कम ऑन स्टेज. तो वो जब कहती है ना कि सो डू यू प्रॉमिस टू को एग्जिस्ट, ही सेज़ ओके बट उर्दू बेटा उर्दू, यू नो वो भी उनको ना. सो दिस आई फील इज़ वेरी गुड राइटिंग बिकॉज यू ऑलरेडी बिल्ट इट अप और हमारे माइंड में ये प्राइवेसी का वेरी गुड, वेरी गुड. आई थिंक ये जो ट्रियो बनाए राइटर्स का, मैं कहती हूँ कि इनको कॉन्स्टेंटली यू नो लिखना चाहिए. स्पेशली जो रुबीना ने बात कही है कि आप देखिए कितनी बड़ी चीज़ है ये पीरी मुरीदी जो हम लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं. और वो बात भी करता है, कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये लोग क्यों मानते हैं. एक वजह से जो फूका है उस औरत पे, उसने क्लब्स यूज़ किया प्लसीबो. प्लसीबो का मतलब होता है कि आप जैसे आपको बहुत दफ़ा जब अब क्या कहते हैं कि किसी को दर्द हो रहा हो, तो कहते नहीं जी डॉक्टर के पास जाएंगे वो इंजेक्शन लगा देगा हम ठीक हो जाएंगे, और वो ठीक हो जाते हैं. अब उस इंजेक्शन में क्या है उनको कुछ नहीं पता, पानी भी हो सकता है, बट यू हैव बिलीव्ड इन योर माइंड कि मैं ठीक हो जाऊंगा. हाँ, सो इट कुड बी दैट इफेक्ट, इट कुड बी कि उनका बिलीफ इतना ज्यादा है कि यू नो एक फूंक मारने. लेकिन वो कहता है कि इस चीज को मैं चैनलाइज करना चाहता हूँ और इसको यूज इट इन अ पॉजिटिव वे. बिकॉज अभी तो हम सिर्फ नेगेटिव में देख रहे हैं ना, बिकॉज हम तो कहते हैं कि नहीं चाहे आप वहाँ, बिकॉज सो मेनी पीपल हैव डाइड बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो ना. पीरी मुरीदी में आपने फूंक दिया, आपने कुछ पोटली दे दी, एंड पीपल हैव डाइड. बट हियर यू नो आई थॉट दैट वॉज अ वेरी 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 गुड वे ऑफ यूजिंग दैट टू से कि अगर हम इसको अपना, अगर इसको हम अंडरस्टैंड करें एंड देन यूज इट इन आर. सो आई थॉट that kind of writing, this generation gap, the way you have
brought them together, all of that I thought was very, very good. And it was just like a, for me, it was like a clapping. I would give it a 9 for the last episode, not the previous episode, but very, very, very good. I would love to see them do something again. They were really very good. Intelligent. Very sorry, ek aur cheez, jisme wo kehte na, jab maine phook diya to wo kehti hai, wo there was that comedian who kehta tha Sai. साईं का साईं 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 की फूंक भी साईं टू द एंड ऑफ समथिंग. तो ऑब्वियसली हम जज तो एक ही एपिसोड को कर रहे होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमको एक इट्स द रीजन वी फील व्हाट वी आर फीलिंग इज बिकॉज ऑफ द जर्नी द डायरेक्टर हैज टेकन अस थ्रू. एंड आई थिंक काशिफ इज वन ऑफ दोज डायरेक्टर्स जो ह्यूमन इमोशंस के साथ बहुत बहुत ज्यादा और बहुत अच्छा खेलते हैं. मुझे इनकी बात अच्छी है लगी कि हमेशा चाहे जीवन नगर हो या ये भी हो, आप करेक्टर से कनेक्ट हो जाते हैं, उस फैमिली से कनेक्ट हो. मैं कुमार में किसी से भी कनेक्ट नहीं हुआ, मैं किसी और ड्रामे नहीं हुआ, लेकिन मैं उनके करेक्टर्स को जो आपस में उनकी सारी बातचीत, मुझे वो करेक्टर्स अच्छे लगते हैं somehow. And I think that's why Rubina is expecting so much more from you know whatever she visualized. And how he does crowd scenes, I love how he does his crowd scenes. Yes, there are times where मैं भी कहती हूँ कि यहाँ close up हो जाए, यहाँ एक close up हो जाए, but that's a personal choice, that's his choice, the way he wants to do it. So overall, I will, like I said, I really enjoyed this, the last episode as a last episode. Yes, there were issues that I had in the previous ones, but overall, I will give him an 8 for the entire series. I think this is very well done. सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है. अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू. क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में 11,900 हुए हैं और काशिफ निसार साहब के हिस्से में आए हैं 1,785, 15% बनते हैं, 1.5 मिले हैं. वेल डन. प्लीज देखें, इट्स अ गुड गुड सीरीज. यस, इट्स अ गुड वॉच. अब बात कर ली जाए ज़ारा नूर अब्बास की. और मैम, जितने ड्रामे मैंने अभी देखे, हमने सबने, मुझे लगता है कि एक परफॉर्मेंस देखी इसमें, मैंने कहा था कि वाओ, इस एक्टर ने बहुत एफर्ट डाली. लाइक जो हमारे नेचुरल करना मिले भी हैं पक्के सीन ज़ारा को. आपको हमेशा एक रोल ऐसा मिलता है आपकी लाइफ टाइम में जो आपको बनाता है. ज़ारा को लेट मिला है. आई एम नॉट सेइंग कि इस रोल ने ज़ारा को बनाया है, बट इट विल बी अ लॉन्ग टाइम बिफोर शी गेट्स अनदर रोल लाइक दिस. एंड शी परफॉर्म्ड इट ब्यूटिफुली. आई थिंक द इमोशनल रोलर कोस्टर पे जो ये लड़की गई है, जो इसने आपको अपने शेड्स दिखाए हैं सारे, I think she did a brilliant, brilliant job. और जान मारी, नजर आ रहा है कि बिल्कुल, बिल्कुल. Yes, I do agree with Rubina that कहीं ना कहीं I think she could have made herself look a little more presentable. But regardless of that, she was not scared of looking ugly. She was not scared of look distorting. के फेस में जब आप रोते हैं तो यू नो लॉट ऑफ रोते हैं बिकॉज फेस डिस्टॉर्ट ना हो जाए. यू नो वो जैसे कहते हैं ना, दिल खोल के इसने एक्टिंग की है. इसने कहीं भी नहीं डरी, कहीं भी नहीं. यू नो जहाँ उसने अपने लिप्स यूज किए हैं, जहाँ उसने अपनी, यू नो आई थिंक आई विल गिव हर अ 9. वेरी वेल डन.